आती थी। क्या औकात थी बैरी की, क्या औकात थी? भगवान को कोई झूठा खाना खिलाता है क्या? अरे नहीं खिलाता है। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। एक बार एक भगत ने महादेव को मांस चढ़ा दिया था। भगवान ने मना नहीं किया, खा लिया। क्यों? प्रेम के भूखे हैं। अब भिल्ली ने झूठे बैर क्यों खिलाए? क्योंकि उनको लगा था कि हरे हरे बैर थे, तो उनको लगा कि ये खट्टे तो नहीं होंगे, उन्होंने चाखे थोड़े से, उसके बाद दिए। लक्ष्मण जी ने नहीं खाई, आखिर में खाना पड़ी। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी और वो जो शक्ति बनी हुई थी, जो मेघनाथ ने मारी थी उन्हें, और जब संजीवनी बूटी लाए थे, तो वो संजीवनी बूटी बैरी की थी, सबरी की थी। क्यों? क्योंकि वो झूठे बैर फेंकते गए, उसके बीज नीचे गिरते गए, और जैसे ही बीज नीचे गिरते गए तो पूरा बड़ा सा जड़ी बूटी का पेड़ बन गया। अच्छा पेड़ बन गया तो पहाड़ बन गया, और वो पहाड़ को हनुमान जी उठा के लाए और लक्ष्मण जी के मुंह में गई वो झूठी बैर। उन्होंने वहां खा लिया होता तो आज ये नहीं देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण तुम भी खाओ, नहीं खाया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि प्रभु आप तो भगवान हैं, आपको ये झूठे बैर क्यों खिला रही है? उन्होंने कहा झूठे नहीं है, ये पवित्र बैर है, ये झूठे नहीं है, ये पवित्र है। हम तो झूठा खाने के लिए मंजूर, हम तो केले के छिलके खाने के लिए मंजूर। हमें कोई ये नहीं है कि हम ये खाएंगे, हम 56 भोग खाएंगे। सुदामा के तंदुलों को उन्होंने खा लिया था, चावलों को, सूखे चावल, जहाँ सूखे चावल तो उनके बेटे नहीं खाते थे, जहाँ कान्हा जी ने खा लिए, कृष्ण भगवान ने खा लिए। क्यों खा लिए? क्योंकि वो ऐसा नहीं, वो भगवान है, उनमें शक्ति है, तो वो खा लिए। अगर वो इंसान भी होते तो वो तो भाव के भूखे होते, खा लेते। इसलिए भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, आपके पैसे धन दौलत के नहीं।